दोस्तों, ये अजीबोगरीब तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मालेगांव शहर प्रॉब्लम सिटी, बुनियादी सहूलियात का फुकदान और मसाइल का अंबार, इसकी मुंह बोलती हुई तस्वीर है। ये स्कूल नंबर 14 का इलाका है जो बस स्टैंड से के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर दो प्राइमरी स्कूल चलती है, प्राइमरी सरकारी स्कूल नंबर 60, 62 और 80। दोस्तों, इन स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा को किस कदर तकलीफ़ का सामना है, आप नीचे कीचड़ में देख रहे होंगे कि स्कूल नंबर 14 में जा बजा कीचड़ है, पत्थर है, जिनकी वजह से तलबा को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। वहीं यहाँ गंदे पानियों में मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे भी बच्चों की बीमारियों को खतरा है। अफसोस कि गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में तालीम नहीं हासिल कर सकते, इनके माँ बाप की इतनी वसत नहीं, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इन गरीब प्राइमरी के बच्चों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, वहीं स्कूल के सामने यहाँ नीमा का दवाखाना भी है, जहाँ हमला ख्वातीन का इलाज व मालजा किया जाता है और नौमौलूद छोटे बच्चों का इलाज भी किया जाता है, उनकी निगहदाश्त भी की जाती है। ऐसे में ये खातून मरीजों को भी और नामौलूद बच्चों को भी इस गंदगी से बीमारियों का खतरा है, वहीं उनको भी हमला ख्वातीन को भी आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। मुश्किल की बात यह है दोस्तों कि इस जगह पर कभी ख्वाजा गरीब नवाज फायर स्टेशन हुआ करता था, वो इमारत बोसीदा हो गई, जिसे डैमेज कर दिया गया। उसके बाद से लोगों ने इधर से आगरा रोड से मशरकी इकबाल रोड की जानिब, मोहम्मद अली रोड की जानिब, जेटी स्कूल के पास निकलने के लिए इसको रास्ता बना लिया, और सारा हॉस्पिटल के बाजू से लोग गाड़ियां सवारियां लेकर गुजरते हैं। मासूम बच्चों को, ख्वातीन को, मरीजों को बेइंतहा तकलीफ होती है। डबल ट्रिपल सीट ये गाड़ी वाले चलते हैं, और पत्थर और कीचड़ की वजह से जब ये टकराते हैं, गिरते हैं, तो किसी से टकरा जाते हैं, और वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है। गुज़िश्ता कल एक मामला ऐसा सामने आया कि मशहूर सूरत, आलमी सूरत याफ्ता शायर जनाब खालिद अनवर साहब ने नुमाइंदे की तवज्जा इस जानिब मबजूल कराई और बताया कि एक बुजुर्ग खातून जो इस इलाके में, इस प्रेमाइसेस में आई हुई थी, एक होंडा वाला बेतरतीब एक छोटे पत्थर से कीचड़ में किसी चीज से टकराया और खातून के ऊपर गिर गया, और वो खातून कीचड़ में लथपथ हुई, जख्मी भी हुई, और होंडा वाला बेशर्मी से चला गया। दोस्तों, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। स्कूल और दवा खाने को भी लोगों ने रास्ता बना लिया, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ है। दूसरी एक तकलीफ यहाँ पर दोस्तों ये कि इन शॉपिंग सेंटर से मुस्तसिल जो शॉपिंग सेंटर्स हैं सरकारी किराए पर दिए हुए, इन लोगों ने पीछे के बहुत सारे इलाके छेक लिए, जिसकी वजह से भी ये इलाके, इसके ज़मीन का कुछ रकबा कम हो गया है। वहीं आप गेट पर देख रहे होंगे कि भंगार बाजार, बाजार मुस्तफ़ा भंगार बाजार जो है, इसके जो दुकानदार हैं, इन्होंने अपने खोखे अंदर रख लिए। रोड को तो ये लोग छेक रहे हैं, अब स्कूल को भी ये छेकने की कोशिश कर रहे हैं। अतराफ के लोग सवारियाँ लगा आते हैं, दुनिया भर की गंदगी रहती है, लाइट का इंतजाम नहीं होता, और वहाँ मंसियात का रात में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके के वाकयात ना हो, ये तकरीबन 50,000 रुपया स्क्वायर फुट की जगह है जो बस स्टैंड के करीब है, और कल्बे शहर में, मालेगांव शहर का कोई भी शहरी ऐसा नहीं होगा जो बस स्टैंड इलाके में आता नहीं होगा। बस दोस्तों, इतनी पॉश, इतनी महंगी और इतना डॉलर पीस ज़मीन होने के बाद भी हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सुना गया कि BAT तर्ज पर यहाँ शॉपिंग बनने वाले हैं, अगर शॉपिंग बनते हैं तो पार्किंग कहाँ होगी, और उस वक्त तो क्या आलम होगा जब यहाँ सैकड़ों शॉपिंग बन जाएंगे, उनके एम्प्लाई, उनके मालक और उनके ग्राहकों की जब गाड़ियाँ लगेंगी, तो इस इलाके से गुजरना बहुत दुश्वार होगा। जिस तरीके से कुदवाई रोड 14 गाले बनने से ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, यहाँ ना गंदगी ना साफ होती है, ना लाइट का इंतजाम किया जाता है, ना यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग होती है, और ना इन बच्चों की तालीम और इनकी सेहत पर ध्यान दिया जाता है, ना हमला ख्वातीन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में राहगीरों से भी गुजारिश है कि इन पर रहम करें और इस एरिया से गुजरे ना होंडा सवारियां लेकर, ताकि बच्चों को और ख्वातीन को, मरीजों को तकलीफ का सामना ना हो। दोस्तों, इस प्रेमाइसिस में कीचड़ से मुतालिक हमने गुज़िश्ता साल भी सरकारी इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई थी, मगर अफसोस के सरकारी इंतजामिया तो खुद प्राइमरी तालीम निज़ाम को ख़त्म करने के दर पे है। ऐसे में हमारे लीडरान का भी काम है कि ऐसी स्कूलों को बचाएं, इनकी तामीर न करें, और इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके प्रमोशन के लिए अमली इकदाम करें, ताकि गरीब बच्चे भी प्राइमरी तालीम के ज़रिए, तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। वहीं अतराफ़ के कारपोरेटरों से, कमिश्नर से,
भी गुजारिश है कि स्कूलों इस जैसी बेशुमार एक नंबर स्कूल में भी गंदगी रहती है। दीगर जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ गंदगी का अंबार है, रात में मंसियात का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसे ऐसी जगहों पर और जो सरकारी ज़मीनें हैं इसको इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको अच्छा डेवलपमेंट करके इससे कॉरपोरेशन की आमदनी भी बढ़े और आवाम का फ़ायदा भी हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। मगर अफसोस कि ये शहर अभी भी रोड और गटर पर ही रुका हुआ है। आगे के मसाइल कब होंगे, वल्ला आलम बिस्सवाब।